सिद्धार्थ और रुबीना के झगड़े के बीच आखिर बिग बॉस ने दिया आपको बता दे कि रुबीना का साथ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ जरूर बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दे कि जब एक छोटे सी बात का तिल का तार बनने लगा है, अब वह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगातार 2 दिनों से इस बात पर बहस छिड़ गई है। और वो बात कुछ नहीं बल्कि किचन के अंदर चॉपिंग के काम को लेकर है। तो आप भी हैरान हो गए होंगे ना। वेल, आपको बता दें कि चॉपिंग को लेकर रुबीना ने निकी तंबोली को कहा था चॉपिंग करने को, जिस पर निकी तंबोली ने साफ इनकार कह दिया था और कह दिया था कि मैं हूं सीनियर और सीनियर को यह प्रिविलेज है कि वह कोई भी काम ना करे। ऐसे में मैं पूरी कंफर्म कंटेस्टेंट हूं, इस वजह से मैं ये कोई काम नहीं करूंगी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि तभी रुबीना और अभिनव ने यह शर्त रख दी थी कि अगर निकी तंबोली चॉपिंग नहीं करेंगी तो खाना नहीं बनेगा। अब यह बात आपको बता दें कि अगले दिन भी टू बी कंटिन्यूड रहा, यानी आज भी झगड़े का सिलसिला फिलहाल चलता ही रहा। रुबीना और अभिनव के खिलाफ पूरे के पूरे घर वाले हो गए, यानी कि सारे फ्रेशर्स और सीनियर्स सभी रुबीना और अभिनव के खिलाफ हो गए, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला खास तौर पर रुबीना को यह कहते नजर आए कि चॉपिंग और खाना बनाना दोनों एक ही काम है, दोनों उन्हें ही करना होगा। ऐसे में रुबीना का कहना है कि 14 लोगों का खाना अकेले चॉपिंग और अकेले खाना बनाना दो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे में चॉपिंग के लिए जरूरत है किसी और इंसान की। लेकिन अब आपको बता दें कि यह बात काफी तुल पकड़ता जा रहा है। सिद्धार्थ और रुबीना की बातें और आगे बढ़ती ही जा रही है और झगड़े और आगे होते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल क्या हुआ यू, वेल, बिग बॉस मेकर्स ने, खुद बिग बॉस ने अपना अब बता दें कि साथ दिया है रुबीना का। आपको बता दें कि अभी हुआ यू कि वेल, जब प्रोमो वीडियो रिलीज हुआ उसमें यह बोला गया है कि रुबीना ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, यानी रुबीना लड़ी अपने हक की लड़ाई के लिए सिद्धार्थ शुक्ला से। यहां साफ बोला जा रहा है कि हक की लड़ाई, यानी कहीं ना कहीं बिग बॉस का भी यह मानना है कि रुबीना दिलैक अपने हक के लिए लड़ रही है, जो कि बेहद ही सही है। तो इस तरीके से बिग बॉस मेकर्स ने भी रुबीना दिलैक का किया है सपोर्ट। आप भी बताइए अपने रिव्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।